जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ हमारी समस्या हमारा समाधान के मुद्दे को लेकर, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी दो मूलभूत जो जरूरतें हैं जो हर व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त में या कम से कम पैसे में मुहैया हो जानी चाहिए, जिसकी जरूरत हमारे समाज को भी है और हमारे उस अंतिम व्यक्ति को भी है जो हमारी इन सुविधाओं की पहुंच से किसी ना किसी वजह से दूर रह जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं भारत में गिरते शिक्षा स्तर की। आज मैं देख रहा हूं, आप भी देखते होंगे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इसका कारण ये नहीं कि ये इत्तिफाकन है, ये एक सुनियोजित तरीके से कार्य को किया जा रहा है ताकि शिक्षा का व्यवसायीकरण करके आम आदमी और जो अंतिम व्यक्ति है उसकी पहुंच से रखा जा सके। क्या कोई भी समाज तब तक विकसित हो सकता है या आगे बढ़ सकता है जब तक उसके हर व्यक्ति को शिक्षा ना मिले? और अगर शिक्षा इस प्रकार चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचती रही तो उस अंतिम व्यक्ति को हम अपने बराबर अपने समाज कैसे खड़ा कर सकते हैं? बस मैं इसी बात को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि भारत में जो लगातार शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। हो सकता है आप मेरे उपाय और सुझावों से सहमत ना हो, लेकिन हमें अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बात को शुरू तो करना पड़ेगा और हम ही लोगों के बीच से उसकी सुझाव उसके उपाय और तरीके आएंगे। लेकिन अगर हम यह सोच लेंगे कि शिक्षा अगर हमसे दूर हो रही है और यही सही है तो इसका यह नतीजा घोर नतीजा जो हमें भुगतना पड़ेगा। आज हर व्यक्ति यह तो चाहता है कि मैं सरकारी शिक्षक बनूं, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सरकारी जॉब मिले, लेकिन सरकारी संस्थानों की जो स्थितियां हैं जिसे हम शैक्षिक संस्थान कह सकते हैं वहां बदतर है। इसका कारण यह है कि एक ही गांव में यदि एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट, तो आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में मात्र 10 से 15 या 20 25 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वहीं दूसरे प्राइवेट स्कूल में संख्या कई गुना होती है, 10 से 20 गुना 25 गुना तक होती है। कैसे संभव, जबकि वहां के शिक्षकों को बहुत ही कम वेतन मिलता है, बावजूद उसके वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। इसका व्यवसायीकरण केवल इसलिए नहीं किया गया कि यह हर गांव में स्कूल हर गांव में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। इसका व्यवसायीकरण किसी चुनिंदा लोगों को फायदे तक पहुंचाने के लिए। क्या शिक्षा का जो शिक्षा की मूलभूत सुविधा है केवल किसी एक दो व्यक्ति तक होनी चाहिए? ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो सोचता हूँ चाहता हूँ कि अगर हम इसी प्रकार अपने घरों में चुपचाप बैठे रहे और सोचते रहे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने से क्या फायदा, हम प्राइवेट में भेजें, जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति है जो गरीब व्यक्ति है उसको शिक्षा कैसे मिलेगी? अगर उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? अगर वह आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा समाज विकास कैसे कर सकता है? मैं जहां तक चाहता हूं कि हम इसको अगर सही करने की एक पहल कर दें तो ऐसे हो सकती है। हमें यह निर्धारित करना होगा कि हर शिक्षक हर सरकारी जॉब को करने वाले व्यक्ति और हमारे जन प्रतिनिधि, अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ स्कूलों में जल्द ही सुधार होने लगे, शिक्षकों की भी स्थितियां सुधर जाएंगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। लेकिन जैसे हम धर्म के नाम पर भीड़ बनकर इकट्ठा हो जाते हैं और आक्रोशित हो जाते हैं, क्या कभी हम अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए कभी इकट्ठा हुए हैं या कभी हमने यह जानने की कोशिश की है कि क्या किसी व्यक्ति
जो हमसे अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है उनको ये मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल पा रही है। अगर ये आसानी से नहीं मिल पा रही तो समझ लीजिए हमारे समाज में हमारा जो बराबरी का स्तर है वो सही नहीं चल रहा और इसके वजह से कई चीजें दिक्कतें हो सकती हैं। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि मेरे मन में ये विचार था, ये सवाल था और जब तक हम सवाल करना शुरू नहीं करेंगे तो समाज में बदलाव की गुंजाइश नहीं। अगर आपको मेरी बात, मेरे ये सवाल अच्छे लगे तो आगे तक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मुद्दों के साथ आपके सामने उपस्थित होता रहूं। जय हिंद, जय।